हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने लाए हैं एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर योर एग्जामिनेशन एंड रेंज रेंज एंड डोमेन। जहाँ पे आपको रेंज और डोमेन डिफाइन करनी हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है आपके पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं GIF। तो बेटा, GIF का पहले एक फंक्शन समझ लेते हैं। जी आई एफ डिनोटेड बाय टू ब्रैकेट। इसके अंदर आपकी वो वैल्यूज, इसके अंदर की वो वैल्यूज, जब मैं इसके अंदर कोई भी डेसिमल वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज, कुछ भी वैल्यूज रख दूँ तो मेरा आउटपुट हमेशा कैसा आना चाहिए? आउटपुट हमेशा इंटीजर डिफाइन होगा। इंटीजर क्या होगा? डिफाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है 1.2, इसका आउटपुट हमेशा क्या रहेगा बेटा? 1। यानी वो वैल्यू पॉइंट में इसके पास है जिससे जनरेट हुई है, जैसे 1.2 1 से जनरेट हुई है, जैसे आपका 1.9, तो ये क्या हो गया? 1 ही गिवन करेगा। तब तक ये भी गिवन करेगा कि जब तक पॉइंट वैल्यू आपकी जनरेटिंग वैल्यू है। मतलब क्या, जैसे ही मैं इसमें 2 रख दूंगा तो बेटा ये 2 देना शुरू कर देगा। बात समझे? सेम ऐसे अगर मैं नेगेटिव 0.0 ये रख रहा हूँ, 9, तो ये किससे जनरेट हुई है? -1 से। ठीक है, इसी तरह ये हमेशा आपकी आउटपुट जो देगा वो एक इंटीजर देगा। क्या देगा? इंटीजर देगा। आपके ब्रैकेट के अंदर कोई भी पॉइंट वैल्यू, उस पॉइंट वैल्यू से लीस्ट वैल्यू उसकी जो है वो इंटीजर वहां पे डिफाइन करेगा। दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब मैं अगर इसे समझने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसका ग्राफ डिनोटेड कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है, टेस्ट डेड है। सेम यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डैश डैट है। फिर यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है एंड -5 है। -1, -2, -3, -4 एंड -5, ये आपकी वैल्यू। अब देखो बेटा कैसे डिफाइन। 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आउटपुट क्या देगा? 0 देगा या नहीं देगा? 0 देगा। लेकिन जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू 0.9 तक, 0.9 तक, ये आपका 0 देगा। यानी यहाँ पे पॉइंट क्या होगा? 0 देगा। लेकिन जैसे मैं 1 कर दूंगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपके पास? 1 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे 0, 1 इंक्लूडेड नहीं होगा। 1 पे 1 देगा आउटपुट, लेकिन ये 1 कब तक देगा? जब तक मैं इसे 1.9 तक आपका क्या देगा? 1 देगा। जैसे मैं 2 कर दूंगा बेटा तो ये क्या पहुंच जाएगा? 2 डिफाइन कर देगा। कर देगा नहीं कर देगा? जैसे मैं 2 कर दूंगा, 2 पे आपका शिफ्ट हो जाएगा, कब तक? 2.9 तक ये आपको क्या देगा? 2 ही आउटपुट देगा। और 3 पे क्या देगा? देगा सीधे 3 जंप कर देगा। 3.9 तक ये आपको 3 देगा। 4 पे क्या कर देगा? ये जंप कर देगा 4 पे। 4.9 तक ये आपको 4 देगा, लेकिन 5 पे क्या कर देगा? जंप कर देगा 5। और 6.9 तक ये आपका देता रहेगा 100। सेम इधर 0 पे कितना देगा? 0 देगा, लेकिन यहाँ पे 0 इंक्लूडेड नहीं होगा। और जैसे ही मैं आगे बढ़ाता जाऊँगा ये आपका आउटपुट क्या देता जाएगा? -1 देता चला जाएगा। जैसे मैं -1 कर दूंगा, -1 से जस्ट पहले ले आऊंगा तो ये -2 देना शुरू कर देगा। जैसे मैं 2 रख दूंगा, 2 पे 2 ही देगा, लेकिन जैसे 2 से बड़ी वैल्यू रखना शुरू कर दूंगा तो ये आपका -3 देना शुरू कर देगा। जैसे मैं 3 तक ये आपका 3 देगा, लेकिन जैसे मैं आपका 3 से जस्ट ऊपर कर दूंगा ये 4 देना आउटपुट शुरू कर देगा। 4 से 4 पे 4 ही देगा, लेकिन
जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा तो ये क्या देगा, 5e देगा। तो इस तरह से आपका एक सीढ़ीदार ग्राफ आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ग्राफ होता है GIF का। तो GIF आपको समझने में कि आपकी कोई भी डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, उसका आउटपुट हमेशा क्या देगा, ये इंटीजर देगा। क्या देगा? इंटीजर देगा। कौन सा इंटीजर देगा? जनरेटिंग इंटीजर, जनरेटिंग इंटीजर, यानी जिससे वो वैल्यू बन के आई है। बात समझ? इस तरह से ये आपका GIF फंक्शन है। अब हम करेंगे इस पे बेस क्वेश्चन। तो बच्चों आपके पास GIF का एक क्वेश्चन है। क्या कहा गया आपके पास? एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सिंपल क्वेश्चन, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखो एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों का सम 4 है। तो भाई अगर मैं एक्स 1 रखूँ, एक्स अगर क्या है 1, यानी एक्स हमेशा कितना देगा जब तक मैं इसके पास लूँगा, यानी आप कहोगे सर इस पॉइंट पे अगर मैं एक कर्व खींच लो, कर्व तो हमेशा पॉइंट के बीच का होगा ना, तो कैसे देगा? अगर मैं एक्स की वैल्यू इनके बीच में रखूंगा तो वाई मुझे हमेशा क्या चाहिए होगा, अगर एक्स यहाँ तक देगी, यहाँ तक 0 प्रोवाइड करेगा, तो वाई मुझे हमेशा 4 चाहिए होगा। तो यानी इस कर्व पे ये वाला एरिया देगा नहीं देगा? y4 एक्स कितना 0। दूसरा x1 तो y3 देगा नहीं देगा? x2 तो y कितना देना चाहिए? 2। x3 तो y 1, और x कितना, x4 तो y 0। ठीक है, अब देखिए सबकी लेंथ 1 यूनिट 1 यूनिट एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल एल इंटू स्क्वायर शेप बन गई 1 1। तो दैट मीन्स ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का। इस तरह से GIF के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको अटेम्प्ट देखना है, याद रखना है कि GIF हमेशा लीस्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा जिससे वो जनरेट हुआ है, यानी एक इंटीजर, लीस्ट इंटीजर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ। आई होप आपको ये बातें चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। तब तक छोटों को प्यार दीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। थैंक यू।